अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो उसका मकसद ये है कि आप अपने मोबाइल में जब इंटरनेट डाटा यूज़ करते हैं तो समटाइम ऐसा होता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था कि आप डाटा ऑन करते हैं लेकिन नेट चलाते हैं तो चलता नहीं, यूट्यूब चलाते हैं, प्ले स्टोर चलाते हैं, तो जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ तो ये डाटा ऑन है लेकिन ये चल नहीं रहा। और बंडल भी मेरे पास है, यानी कि वीकली बंडल सब्सक्राइब किया तो ये फिर भी नहीं चल रहा, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं चलेगी, लोड नहीं होगी, तो इसका प्रॉब्लम क्या है और कैसे इसको हल किया जा सकता है ये मैं बताता हूँ आपको। और बहुत ही आसान है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो। तो आप सामने आ देखें, डाटा मैंने ऑफ करके दोबारा चलाया तो फिर भी ये नहीं चल रहा, तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो जाना है सेटिंग में, उसके बाद आपने नेटवर्क, मुख्तलिफ मोबाइलों में मुख्तलिफ ऑप्शन आते हैं तो इसमें आपने नेटवर्क वाले ऑप्शन में जाना और देन आपने जाना मोबाइल नेटवर्क। इसके बाद आपने जाना है उसके नीचे आएगा एक्सेस पॉइंट में, एक्सेस पॉइंट में जाना है और जाना है आपने, ये देख सकते हैं आपके सामने जो सेटिंग वगैरह मैं कर रहा हूँ वो शो हो रही है। तो आपने सबसे पहले नेम सेट करना, उसके बाद प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का एड्रेस वगैरह वो उसको आपने डिलीट कर देना है, ज़ीरो कर देना और ओके कर देना और नॉट सेट पे उसको इनेबल करना है। तो इसके बाद आपने करना है ऑथेंटिकेशन, उस पे आपने नन पे क्लिक करना है और इसको फिर आपके सामने आ जाएगा। और इसके बाद आपने एड्रेस सेट करना है MMSC में, www.google.com आपने इस पर एड्रेस सेट करना है और ये सेट करके आपने ऊपर तीन लाइनें नज़र आ रही हैं उन पर जाना और सेव पे क्लिक कर देना। और इसके बाद ये देखें डाटा कनेक्शन ऑफ हो गया और ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा जब सेटिंग ये सेव हो जाएगी। तो आपके सामने से आ गए डाटा कनेक्शन और मैंने गूगल प्ले स्टोर चलाया तो ये आपके सामने ये चल रहा है, यानी कि सेम डाटा पे मैंने पहले भी ट्राई किया था लेकिन ये प्ले स्टोर नहीं चला क्योंकि उसमें सेटिंग बाज़कात आपके मोबाइल में रीसेट करते हैं तो वो चेंज हो जाती हैं। तो आपको ये सेटिंग ट्राई करनी चाहिए अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद इस प्रॉब्लम को फेस किया और काफ़ी टेंशन हुई, मुझे लगता था कि ये शायद मोबाइल में प्रॉब्लम है या सिम कार्ड में प्रॉब्लम, तो दोस्त से मैंने पूछा तो उसने मुझे ये बताया। तो अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप ये सेटिंग ट्राई कर सकते हैं और इस टेंशन से निजात पा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए शुक्रिया और सब्सक्राइब नहीं किया